नहीं, इन्होंने भी नया खरीदा है, टेंपल बनने के बाद बनाया ना ये लोग। इधर ये जो एग्रीकल्चर का लैंड था वो आदमी से बात करके रेजिडेंशियल प्लॉट बना हम बनाएंगे और सब लोग हम खरीदेंगे, और इसमें जो फ्री मंदिर के लिए थोड़ा सस्ते रेट में देना, ऐसा एग्रीमेंट करके बाद में इधर सब भक्त लोग एक एक प्लॉट खरीदा और मंदिर के मत के लिए थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सस्ता मिल गया। तो अभी ये पूरा भक्तों का प्लॉट है, वो लोग जब घर बनाएंगे पूरा इधर घर। वन इज उमाशंकर प्रभु एंड राधेश्याम प्रभु एंड विजय कृष्ण प्रभु। और एक बच्चे लोग भी बना घर बनाने वाले था, लेकिन बीच में अचानक उनका पत्नी का दुखी हो गया। वो दोपहर में पति से बात किया है और 3 बजे तक घर में कोई दीदी और इनका बेटी दोनों ही था, और 4-5 बजे को फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहे थे। तो घर में आकर देखा तो वो छोटी बच्ची रो रहा था, देखा तो उनका पत्नी है वैसा ही घर में इसे नीचे गिर गया। अच्छा फ्लावर सी, वेरी नाइस फ्लावर। कल मैंने वो जब प्रश्न पूछा उसके बारे में और थोड़ा कुछ पूछ सकता। जैसे चुना हरिदास और कसम गोपाल के बारे में पूछा, वो लोग नित्य लेकिन ऐसा लीला हम उमर शंकर प्रभु आस्किंग द क्वेश्चन टू गुरुदेव लोगों से ताकि हमारा शिक्षण देने के लिए। भाई महाप्रभु गिव अप टू छोटा हरिदास ठाकुर। हरे बोल हरे कृष्णा। तो मतलब अपराध बहुत सीरियस है, उसे हमें छोड़ना ही है, दूर रहना है। गुरुदेव सर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग द शिक्षा, इज गिविंग द शिक्षा। तो हमें बहुत सावधान रहना करना।
भौतिक दिशा में आकृष्ट हो जाते हैं, ये शारीरिक रूप में है। जैसे चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास के साथ में लेकर काला कृष्णदास को भट्टाचारी के लोगों के द्वारा वो आकर्षित हो गए, तो लोकल ट्राइब जगत में ये दिखाया गया। इसके बाद महाप्रभु दंड भी दिया, महाप्रभु ने क्या किया, भट्टाचार्य पास जब गए वो लोग सब महाप्रभु के ऊपर आक्रमण करने लगे, और महाप्रभु ने ऐसे भी लीला किया कि सब भट्टाचार्य अपने आप को एक दूसरे के लेकर के आने के बाद वो अलानाथ के पास आकर के महाप्रभु उनको विदाई दे दिया। तो ये लीलादि दिखाते हैं जगत वर्धन जी के स्वाभाविक रूप में है, तो आकर्षित उसके हम बच्चे कैसे साधु संघ में रह करके भी शिक्षा कैसे भ्रमित होता, चक्कर भगवान नहीं, ये बच्चा चला जा रहा है, बच्चा छोड़ दे। हरि बोल। राजस्थान में रहकर भी बद्ध जीव कैसे आकर्षित हो जाते हैं, साधु संघ में रह करके भी बद्ध जीव माया प्रबल है ना, माया की तरफ आकर्षित हो जाता है। श्री गुरुदेव ने उदाहरण दिया, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ रह करके भी कुछ लोग महाप्रभु को नहीं समझ पाए, निष्ठा के साथ भजन नहीं करे। हाँ, ये बात है, जब तक हम पूर्ण निष्ठता के साथ भजन ना करें तब माया के करें। एक हम करते और अंदर हृदय में दुखी विभाग याद रहे हृदय तू भला हलम
अंतर बाहिर समान होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो बकासुर को वध किया, बकासुर के तात्पर्य इन छल और कपट, ये बकासुर के तात्पर्य सिग्निफिकेंस बकासुर वो क्या है, छल कपट बुला बुला तो करते हैं सरोवर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, एक पैर भी ध्यान करता रहता है, आंख बिल्कुल वहीं पर रहता है। और आप देखोगे बगुला के भी ऊपर भी एक चट्टी भी रहता है, देखे ना अपने देखा ना, वो जैसे वैष्णव जैसी लग रहे हैं, चोटी लग रहा है। किंतु उसका लक्ष्य क्या है, मछली पकड़ना। उसी प्रकार बहुत लोग जो है वैष्णव तो बेस बना लेते, वॉइस इज क्लियर, अंतर बाहरी समव्यवहार अमानी मानव, अमानी मानव ये अमानित मानव होना दूसरे के सम्मान देना और अपने प्रतिष्ठा के प्रति लालसा नहीं रखना। प्रतिष्ठा आशा भिष्ठा सपच रमनी में हृदय नटित कदम साधु प्रेम नुचिदेवन अनुमान मन शिक्षा भी कर प्रतिष्ठा की आशा भी रहता है, बनाने वाले चंडालिनी के भांति प्रतिष्ठा ये सहज में दुर्भूत नहीं होता, हो सकता है कोई काम क्रोध अभी के जीत जय पत्र कर ले, किंतु प्रतिष्ठा जो है वो बड़े जब तक हमारे हृदय में ये प्रतिष्ठा की आशा गौर प्रतिष्ठा की आशा रहेगा तब तक हम सिद्धा करके प्रतिष्ठा छोड़ना इसको छोड़ा, जब हमें कोई प्रतिष्ठा दे रहे हैं ठीक है वैष्णव जी से शादी कर वो भगवान का गुरु के साथ हमें कला में माला दिया उसके काफी सारे मन में गुरु और भगवान को यही प्रश्न में पूजा पर दस के बातें महाराज जी के निष्कपटता बारे के बारे में प्रतिष्ठा के बारे में और जैसे अभी आप बता रहे थे वो प्रतिष्ठा तो हमें आ जाए आएगा ही आएगा, जैसे हम साबित करते रहते हैं तो जैसे अभी श्यामदास को जो है वो अपना व्यवसाय करके उनको भी सम्मान करेगा, तो अभी श्यामदास को ऐसा सोचना है कि मेरा महाराज जी का कृपा है तो ऐसे सोच के अब जाना है
ये हमारा भारत महाराज ने ऐसे बतलाया, लेकिन ये प्रतिष्ठा के जो विषय इसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत जब आप भगवान के साथ कर देते हैं तब इसके अपने सहायक है। संग्राम में युद्ध देवता लोग जय प्राप्त किया और समस्त देवता लोग इंद्र के राजसिंहासन पर बैठे थे, उसमें उपस्थित रहने लगा। इतने समय गुरु बृहस्पति आना तो बृहस्पति को देख करके इंद्र के मन में ये भावना हुई कि अभी सभी लोग मेरा पूजा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, इस समय भी गुरु बृहस्पति आ जाए गुरु क्या करेगा, तो गुरु के लिए आसन छोड़ना पड़ेगा। हाँ गुरु बृहस्पति की पूजा करते, मेरा पूजा कोई नहीं करेगा। उनके जान बुझे कहते हैं तो क्या ड्रामा कुछ लोगों की स्वभाव है सामने कोई अच्छी अच्छी बात बोलना और पीछे उसकी जाकर के लानी करना, निंदा करना, ये सब छल कपट के प्रतीक होता है। हमारा भी एक विनंती है, मेरा सब का भलाई के लिए सर आप जो बताया, मेरा मन की बात ऐसा है ये चला गए तो भक्ति अपने आप हो जाएगा किसी भी साधु संघ में रहकर, अगर ये छल कपटता और ये जो प्रतिष्ठा है ये हृदय से निकल गए तो सरल हो जाएगा भक्ति। तो यही विचार को दोबारा क्लास में भी बताया तो अच्छा होगा, प्रसंग कम चाहते हैं जैसे आपने प्रसंग उठाया प्रसंग कहाँ होना पड़ता है, जिस प्रसंग चलते हैं प्रसंग के लिए चलते आगे। दोपहर में बहुत लोग आने वाला है, कितना नया लोग होता है पुराना लोग सब लोग। मेरा जीवनदास इंग्लिश इंग्लिश सो व्हेनेवर वी सी अ एनी डिवोटीज लाइक दे आर एडवांस्ड एंड दे आर लाइक महाभागवत, बट व्हेनेवर वी लिसन एवरीबॉडी इज दे आर नित्य परिकर, everyone, most of the devotees we tell they are eternal associates. So only Billa Mangala Thakur is as a sadhaka perfected from here and went back to Krishna Lok. So this our parampara, it is most of the devotees we hear they are eternal associates. How a sadhaka will understand whether we also can get to Krishna by following these principles, because we are not seen any sadhakas which is in our parampara getting perfected like that. Do you have any examples? How many examples you can get? So first you try to understand, if you are not the same level you can understand to him, उसके समान कैटेगरी जब तक नहीं जाओगे उसका समझ नहीं पाओगे। जैसे आपने कहा कि अम्ल के गुरु परमेश सभी हम देखते हैं सभी तो उत्तम भागवत कहते हैं और ये करते हैं, तो विचार जो विषय यह है उसको कैसे समझोगे, हाउ डू यू नो हाउ डू यू अंडरस्टैंड, ये आपके जाने के लिए क्या तो उसी स्तर पर आपको जाना पड़ेगा। उस तौर पर जब तक आप नहीं जाओगे उसे समझ नहीं पाओगे, कि वो व्यक्ति के भाव आदि जानने के लिए तो उसी लेवल पर जाना पड़ेगा।
थे, तो उसी प्रकार कौन वास्तव रूप में साधक है, कौन वास्तव रूप में सिद्ध है, उसको जाने के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये सत्य सिद्धांत है, ये वो व्यक्ति क्या है कि नहीं, इसलिए अपने को साधन भजन करना पड़ेगा ना। जैसे एक लड़का मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, उसके निकट मैथमेटिक्स के बारे में यदि कहा जाए वो समझ में आएगा, है कि नहीं। ये क्लास भी होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला जो है वो कौन समझेगा, मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो उसके मैथमेटिक्स का ज्ञान है, उसके मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा, उसके पास ए प्लस भी होल स्क्वायर है, वो कैसे समझता। तो उसी प्रकार जो है ये समस्त विचार दिशा है। तो शास्त्र अध्ययन आदि करते करते, फिर भजन आदि करते करते अपने को उपलब्धि होगा धीरे धीरे, जो व्यक्ति यथार्थ कहाँ तक पहुँचे। जैसे हम कहते हैं चलो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे वही वो भगवत धाम में चले, वास्तव भगवत धाम में गए कि नहीं गए कौन निर्णय देगा, जो उस स्तर पर है, जो उस स्तर पर है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम लोग के जो गुरु परम्परा जो जिस स्तर में है वो बताएंगे। ये अपने को भजन साधन करना पड़ता, भजन साधन करते करते नाम आदि ग्रहण करते करते तब अनुभव होगा। योर आंसर क्वेश्चन 40 पर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल भक्ति बिल्लमंगल ठाकुर का साधक का परफेक्ट। हाँ, बिल्लमंगल ठाकुर साधक का परिकृति था। बिल्लमंगल ठाकुर साधक किस लिए कहा जाता, उत्पन्न रतयो कृष्ण, कृष्ण में रति उत्पन्न हो गया, कृष्ण दर्शन की इसके साथ साथ जगत प्राप्ति हुई। किंतु सामान्य कुछ ये होने के नाते, विघ्न होने के नाते भगवान के दर्शन नहीं हो रहा, इसी कहते साधक का परिकृति था। ये साधक की सर्वोत्तम परिभाषा है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार भक्ति के तो अनेक परिभाषा दिया गया, भक्ति के एक परिभाषा बताओ, ये अन्नाभिलाष प्रसन्न एक सर्वोत्तम परिभाषा है। ये जो अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्मद अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशूलन भक्ति उत्तम, ये जो परिभाषा जो है जो कृष्ण भक्ति ये सर्वोत्तम परिभाषा था। किंतु इससे भी तो और भी परिभाषा क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, यही भक्ति बने परसानुरक्ति सरे ही भक्ति, भगवान में अनुरक्त हो जाना ही भक्ति कहा जाए। सा परासे भगवान में अनुरक्त है, सानिल सूत्र में कहा गया भक्ति के, भक्ति के अनेक परिभाषा, यहाँ तक भी श्रीमद् भागवत में भक्ति की परिभाषा दिया गया। किंतु वास्तव परिभाषा जो है रूप गोस्वामी पाद क्यों ये कहा गया, इतने सुंदर परिभाषा देते हुए ही रूप गोस्वामी पाद अपने एक सुंदर श्लोक के रचना क्यों किया। ऊपर से आपको कहेंगे दे गुरु के ऊपर गुरुगिरी खुदगिरी कर दी, समझ रहा था। जो व्यासदेव जी ने जो लिखा परिभाषा जो लिखा देखने से भक्ति की परिभाषा लिखा और उनको सही पाप क्यों ऐसे परिभाषा लिखा, अपने श्लोक ना रूपों से पाप कोई साधारण नहीं है और रूपमंजरी है। व्यासदेव तो व्यासो नारायण स्वयं है, किंतु रूप गोस्वामी रूपमंजरी, तो रूपमंजरी जो परिभाषा दे रहे वो सर्वोत्तम परिभाषा है और भक्ति की जो परिभाषा दे रहे ये सर्वोत्तम परिभाषा है, ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा दिया गया।
ये उत्तमा भक्ति के कौन अनुशीलन करते हैं? उसमें भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति तो विवेक में इसकी विवेचन करके दिखाया गया। उत्तम उत्तम भक्त ही उत्तमा भक्ति की परिचय अनुशीलन कर सकते। क्या बोला? उत्तम भक्त ही उत्तम भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। उत्तम भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। महाराज लेकिन जो व्यासदेव ने लिखा उसका क्या बोला जाएगा? वो साधारण साधारण लिखा है। ये साधारण के लिए परिभाषा दिया गया व्यासदेव ने। परानुरक्ति ईश्वरे इति भक्ति सा पर अनुरक्ति भगवान में अनुरक्त हो जाना ही भक्ति कहा गया। परानुरक्ति ईश्वरे इति भक्ति परिभाषा दिया गया है। और सर्वाधिक मुक्त तत्पर पर निर्गुणम हिजके निजके से सेवन भक्ति उच्चते ये भी भक्ति की परिभाषा दे रही है। और रूप गोस्वामी की परिभाषा दे रहे हैं इसी तरह सर्वोत्तम परिभाषा इसके ऊपर कोई परिभाषा नहीं होती है। अन्नाभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम ये उत्तमा भक्ति की वास्तव जो है एकमात्र श्रीमती राधा जी की ही कहा गया। आप इसे पढ़े क्या बोले भक्ति विवेक में चलो भक्ति विनोद ठाकुर इसके वर्णन कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी ने होने पर इस को अनुसरण कहाँ कर पाएंगे? सर्वाधि विनिर्मुक्त क्या बोले ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति अनुकूल कृष्ण होना चाहिए अर्थात कृष्ण के रुचवाना वृत्ति कृष्ण के सुख तात्पर्य कृष्ण के सुख हेतु श्रीमती राधिका समस्त कार्यादि करती जा रही है। निकालते मान कर लेते राधा जी मान कृष्ण के सुख के लिए इसी के इस संदर्भ में इसी के परिपुष्ट करने के लिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ग्रंथ रचना की प्रेम संपुट ग्रंथ। प्रेम संपुट ग्रंथ पढ़ने पर आपके पता लगेगा ये क्यों राधा जी मान करती है। राधा जी क्यों मान करती है? वही कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के कृष्ण जी राधा जी पूछ रही है तुम राधा जी कितने प्रीति करते हो तो राधा जी तुम कृष्ण के साथ इतने मान क्यों करते हो कृष्ण के दुख में तो राधा जी वो देवांगना की कह रही है ये देखो वास्तव में मान नहीं करते कृष्ण के सुख है यही तो प्रेम के विषय वैशिष्ट है। तो मेरे कहने की तात्पर्य पंगल ठाकुर की परिभाषा दिया गया। क्या परिभाषा दिया गया? साधक परिकृत ये उत्तम परिभाषा है साधक की परिभाषा है। नहीं यदि कहो केवल बिल्वमंगल ठाकुर यदि साधक है तो हम लोग क्या है? उत्तम साधक बताओ उत्तम साधक है ना नहीं अगर बिल्वमंगल प्रभु को प्रभु को ठाकुर को साधक कहला जाते हैं तो हम लोग क्या है? कोई स्थिति ही नहीं ऐसे नहीं कह सकते उनके जो परिभाषा दे गया वो बिल्वमंगल बिल्वमंगल और दायो साधक का परिकृति का ये बिल्वमंगल आदि जो है साधक है उसको दिखाया जाए तो हम एक साधारण लोग कह रहे भाई तुम साधक नहीं हो क्या हो जाओ अपसेट हो जाओ जैसे वैष्णव की परिभाषा क्या आप बताओ विष्णु मंत्र में दीक्षित विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होकर के विष्णु पूजा करते उसको वैष्णव कहा जाता है। यहाँ तक भी शास्त्र में बहुत श्लोक है विष्णु तिलक आदि धारण करने से वैष्णव समझना चाहिए विष्णु तिलक आदि धारण करने से उसके भी वैष्णव जाना। अच्छा विष्णु कोई ऐसे भी तो लगा लिया तो उसके भी कहा जाता है क्या वैष्णव होगा ये साधारण परिभाषा भी लिखा जाता है। विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होकर के विष्णु पूजा करो ना
वैष्णव अभी तो अभिज्ञेर इतर अस्मद अवैष्णव जो विष्णु मंत्र के द्वारा जो है दीक्षित होते हैं उसके वैष्णव कार्य होता है, किंतु ये साधन परिभाषा है। जब उसने आपको देख लेंगे तब तभी वैष्णव, और जीव मात्र ही तो वैष्णव है। अब बताओ तो जीव क्या जीव सब सब हमारे भगवान के हम लोग दास दास हैं। हम लोग सूर्य के दास नहीं है। पांच पंच प्रकार की उपासना दिखाई गया, सूर्य शक्त गणपत शक्ति शिव शक्ति और शैव है। किंतु वास्तव हम तो शिव के हम लोग नित्य दास नहीं है, नित्य दास विष्णु के हम लोग नित्य दास है। मामाई बाप से जीव बोल के जीव भूत सनातन भगवान कहते समस्त जीव मेरा ही अंश है। तो हम लोग कर्तव्य क्या है, एक बार तो भगवान विष्णु की आराधना करना। तो ये समस्त विचार करके देख दो विष्णु मंत्र दीक्षित होने से उसको वैष्णव कहा जाता है। ये साधारण विचार दे शास्त्र की विचार हर समय दो प्रकार के दिया जाए, एक है साधारण विचार और एक होता है उत्तम विशेष विचार। साधारण विचार साधारण लोगों के निकट कहा जाता है। कोई व्यक्ति गुरु के पास आए, गुरु से मंत्र दीक्षा दे, क्या तुम आज से वैष्णव हो गया, वैष्णव मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, वो क्या हो गया वैष्णव हो गया। अभी उसको दिया गया किंतु अभी वास्तव में अभी वैष्णव नहीं हुआ। जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया उसको क्या कहा जाता है, विद्यार्थी स्टूडेंट कहा जाता है, किंतु अभी वो पक्का नहीं हुआ, ग्रेजुएट नहीं हुआ। अभी जब तक पूर्णता नहीं प्राप्त नहीं करे एम ए पी एच डी करके जब तक निकल करके नहीं आए, अब जो स्टूडेंट से तो स्टूडेंट है वैष्णव सभी है किंतु वैष्णव की तात्पर्य ठीक उसी प्रकार साधक तो सभी है जो साधन कर रहे हैं उसके साधन उसे साधक कहा जाता है, किंतु साधन की तात्पर्य तो उसी प्रकार बिल्लमंगल ठाकुर को जो साधक रूप में जो कहा गया है जिससे सर्वोत्तम साधक की परिभाषा दी है। बिल्लमंगल उदय साधु का परिकृति है, सभी साधक जो साधन कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेने से शांति विद्यार्थी कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाता है, किंतु स्टूडेंट्स भी कैटेगरी है सब स्टूडेंट नहीं। ठीक उसी प्रकार वैष्णव से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने पर कहा जाता है किंतु वैष्णव की ताकत कोई कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव होता है, कोई मध्यम अधिकारी वैष्णव होता है, कोई उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव जिसे तीन प्रकार कहा गया, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, और मध्यम अधिकारी भक्त भी तीन प्रकार भी है, उत्तम कनिष्ठ मध्यम मध्यम और उत्तम भागवत भी फिर कनिष्ठ उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम 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 ये सब विचार देखने करके दिखाए।
इसलिए शास्त्र की तात्पर्य हमें जानना चाहिए। वास्तव में यदि कहो जो जीव शुद्ध अवस्था में वैष्णव है, विष्णु की सेवक है, उसके नाम वैष्णव था। यह माने क्यों ना माने सब चैतन्य दास है। चैतन्य 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 में देखते हो माने और नहीं माने सब भगवान के हम दास ही है, चैतन्य के दास हैं। महाराज इनका वो जो बोलने का बोलने में थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, इनका एक्चुअल क्वेश्चन ये था। ऑल अवर गुरु परंपरा और द एटर्नल एसोसिएशन दे कैन डू साधना लाइक दिस एंड दिस None of the human beings like us, वो लोग साधन करके गए हुआ इंसिडेंट हम देखा नहीं सिर्फ बेलोम ठाकुर के बारे में, तो हम लोग भी वैसे ही साधन करके जा सकते हैं क्या? करेक्ट। और दिस इज द पॉइंट लाइक दैट एनी मोर परफेक्ट डिवोटीज और कोई है ऐसा बेलोम ठाकुर जैसा हमारा बद्ध जी साधन करके जो गया है? देखो चैतन्य वो दिखाया गया महापुर के परिकर में, महापुर के लीला में दिखाया गया। दो के जो है एक दिखा रहे हैं जीव तत्व में ले गया, एक थर्मो भट्टाचार्य ब्रह्मा के अवतार माना जाता है, थर्मो भट्टाचार्य। दूसरी जो है राजा प्रताप रुद्र, इसमें जी इसमें लिया जाए इसमें साधारण जीव है। ये भी देखो महापुर के चरण में कैसे सब महापुर के महापुर के सेवा में गए, स्वयं महापुर राधा राजा प्रताप रुद्र के अपने स्वरूप दर्शन कराया। पहले तो महापुर उनको मना कर दिया, वंचना करने लगे, किंतु फिर स्वरूप दामोदर राय मंदिर की कृपा से और उन्होंने किया कि महापुर की सेवा किया, तो महापुर उनको भी प्रताप रुद्र के भी अपने स्वरूप दर्शन कराया और अपना भी ले लिया। वैराग्य योग भक्ति वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कम पुरुष को ये सर्व भट्टाचार्य स्तुति आदि करने लगे। इसलिए ये लोग भी देखो साधन भजन करके आ रहे। दो प्रकार के होता है, कोई जीव अनेकों जन्म साधन भजन करके आ रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं, और कोई भी कोई जीव जो है नित्य वही धाम आए हैं, यहाँ पर लीला आदि कर साधक के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। जैसे हमारे स्वर्गोत्त स्वामी जो रूप सनातन इस परिकर है, किंतु साधक के भांति साधना आदि करके दे शंखा प्रभु का नाम गान टीवी काल आहार्य विहार राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुर आनंद में सन्मोह हेतु वंदी रूप सनातनो रघु युगो जी गोपाल। ये स्वर्गोत्त स्वामी नित्य परिकर है, किंतु साधक के भांति एक साधन साधक करे साधन कर रहे ये लोग दिखा रहे हैं। और दूसरी जो है मैंने कहा जी सर्व भट्टाचार्य, सर्व भट्टाचार्य के कहा जाता है ब्रह्मा के अवतार माना जाता है, और ब्रह्मा जो है जीव तत्व में आ जाता है। यद्यपि ब्रह्मा के बारे में दो प्रकार की कथा है, एक जीव तत्व होता है क्या बोले भगवत तत्व में आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मा की पद प्राप्ति करने के लिए जब कोई योग्य जीव मिलता है तब वो ब्रह्मा के परिकर ब्रह्मा के पद अधिष्ठित हो जाता है। जब योग्य जीव नहीं मिलता स्वयं भगवान वो ब्रह्मा के पद को अपना ही लेता है, तो उस समय ब्रह्मा के दो ग्रह एक होता है वैराज ब्रह्मा और एक है विराज विराज ब्रह्मा और वैराज ब्रह्मा और एक जीव क्या बोलते हैं उसे हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है सन भगवान भगवान वैराज ब्रह्मा जो है जीव तत्व में आ जाता है। तो सर्व भट्टाचार्य के बारे में कहा गया कि ब्रह्मा के अवतार माना जाता है,
तो ब्रह्मा के तत्व होने के नाते जीव तत्व में आ जाता है। और दूसरे में बताया प्रताप रुद्र और गणेश दीपिका में प्रताप रुद्र ये जीव तत्व में आते हैं। ये भी साधन भजन करके महाप्रभु के ऊपर कैसे अनुरक्त हो गए और फिर आगे बढ़े, स्वयं महाप्रभु उनकी कृपा दिया, उनके दर्शन दिया, तो इस समस्त शास्त्र में वर्णन है। तो एक साधक कोई साधन भजन करके आगे जा रहे है। एक परिकर दो प्रकार के भगवान के परिकर होता है, एक साधन भजन करके परिकर के रूप में जाता और एक नित्य ही जय तो आप कौन कैसे हैं उसका कैसे समझे, आप कैसे समझे वो साधन भजन करके परिकर प्राप्ति किया, परिकर तो प्राप्ति किया कि वो परिकर है, वो भजन करते करते आपके अनुभव क्योंकि विषय वस्तु में हमें ज्ञान नहीं होने पर विषय के हम समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति एमए पास किया मास्टर डिग्री पास, तो उसकी आप जानने के लिए पूर्णता जानने के लिए आपके एमए पीएचडी पास करना पड़ेगा, आप वो समझ पाएंगे नहीं तो वो कह रहा ठीक है मान लिया, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार भक्ति राज्य में उसी प्रकार ही है, भजन करते रहते अनुभव होगा। इसलिए तो जो महाभागवत के फिर तीन पद विभाजन करके दिखाया गया, महाभागवत जो तीन प्रकार के होते कौन कौन, भगवत पार्षद देह व्रत ये महाभागवत, और दूसरी होता है और निध तो कषाय मूर्छित कषाय, निध का ये तीन प्रकार भागवत के बारे में वर्णन किया गया है। तो महाभागवत भागवत किंतु तीन प्रकार भगवत पार्षद देह व्रत जैसे नारद आदि ये क्या है सत्कर भगवान के पात्र ये उत्तम भागवत जिनके दर्शन करने से ही और दूसरी का है निर्दुत कषाय, निर्दुत कषाय कौन है सुखदेव गोस्वामी का उत्तम भागवत, राधा जी के श्रेष्ठ सुख है मातृ गर्भ से जन्म लेकर के बाद सुखदेव गोस्वामी चल दिया जिनके दर्शन मात्र से ही सब ये हो गया भगवत भक्ति में उत्पुष्ट हो गया, इसलिए हृदय प्रवृद्ध होकर ये मध्यम हो गया। और कनिष्ठ भी कहा जाता है उस समय जैसे फिर कहते हैं निर्धुत कषाय, निर्धुत कषाय क्या है ना प्रजन की सामान्य कुछ रूप में है माया की कुछ आभास व गंध रहता है जैसे कहा जाता है निर्धुत कषाय। जैसे नारद ऋषि दूसरी बार जो जन्म लिया क्या बोले दासी पुत्र होकर नारद ऋषि अहंकार है उसको उदाहरण दिया गया, नारद जी कहने लगे मैं तो भगवान ने मुझे तो दर्शन दिया मैं मुझे देखिए मुझे देखा फिर जब मेरा ज्ञान आ गया मैं भगवान के प्रार्थना की आप मुझे अपने स्वरूप को दर्शन कराइए तब आकाशवाणी हुई एजल शांत कर तो ये नारद तुम्हें इस सदन में इस समय में नहीं होगा तुम भजन करते करते तुम्हारी पांचुगतिक शरीर जब त्याग दोगे तब फिर शुद्ध शरीर में तुम्हारे चित्त शरीर में मेरे वैकुंठ धाम में आओगे तो मेरा सत्य दर्शन करेंगे। भागवत में वर्णन पंचवती तो ये भी वर्णन किया गया। इसमें नारद ऋषि के जो
दासी पुत्र ने जन्म दिया, इसमें प्रसाय क्या है? ना नारद ऋषि जब ये कहने विचार करने लगे ये वनस्तु शक्ति को बात हो, ये मैं शक्ति के रूप में वन में बात करना काम करता हूँ, ये भी शक्ति की बात करना, ये भी प्रसाय माना जाता है। मगर महाराज जी कुछ भी इच्छा नहीं रखनी, वो इच्छा अच्छा था ना, वो मैं वन में, क्योंकि उसमें जो वन में जो बात जो है ये शक्ति भाव रहता है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं भक्त के संग में रहना है, ये भजन की अकेला वन में जाके सब ये कुछ इच्छा हो जाता है, कामना हो जाता है, हो सकता है। जब भी नारद ऋषि भगवान की तपस्या करते थे तब ये सब लीला दिखा रहे शिक्षण के शिक्षा के, तो इस पर तो उत्तम भागवत भी इसमें दिखाया गया, उत्तम भागवत इसलिए आप उसके संबंध में जानने के लिए आपको इस तरह का पूछताछ तो पूछना पड़ेगा। आदि तथा सत्संग भजन किया उन्होंने निष्ठा रुचि आरती उत्तम में आपको पूछना ही पड़ेगा। ये क्या है गौड़े वैष्णव को प्रणाली पहुंच पा रहे हैं, कीप साइलेंट। एक तो एक दिन होगा हमारा काम, मम्मी मैसेज किया।